ये फिल्म है आम ब्रह्मास्मी, भारतीय फिल्म इतिहास की पहली मेन स्ट्रीम फिल्म है जो कम्प्लीट हो चुकी है। उसका पोस्टर और गाना लॉन्च करने वाले हम लोग। संस्कृत को सरलता से दुनिया के कोने कोने पहुंचाने के लिए बनाई फिल्म। संस्कृत जो पिछले हजारों सालों से गुलामी के दौर में संस्कृत को समाप्त करने की हर पल कोशिश लोगों ने की, संस्कृत मृतप्राय भी हो गई, तो संस्कृत को उनके पुनरुत्थान के लिए हमने फिल्म बनाई है अहम ब्रह्मास्मि। सर, ये मूवी काफी डिफरेंट है बॉलीवुड के नॉर्मल मूवीज से, तो ऐसी मूवी क्यों चुनी आपने? मतलब संस्कृत में पूरे विश्व के लिए अनोखी फिल्म है। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, देवनागरी लिपि है, उसे से हिंदी निकला, उसे से मराठी निकला, तो सैकड़ों भाषाओं को उन्हें जन्म दिया। वो आज मृतप्राय है, उसको किताब नहीं करता, उस पर कोई फिल्म नहीं बनाता, उसको जन साधारण में उसको कोई लाने की कोशिश नहीं करता। तो हमने फिल्म के माध्यम से, फिर एक बढ़िया जरिया है, अच्छा जरिया है लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। मैं चाहता हूँ संस्कृत का प्रचार हो, उसका विकास हो, लोग उसको समझे। बहुत अच्छी और सरल और आसान भाषा है, बताऊँगा अभी, अब तो मैं लॉन्च करने वाला हूँ, वो देख के अच्छा लगेगा। सर, क्या आइडिया थी इसके पीछे, मतलब भारतीय कहानी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि भारतीय सनातन, भारत का जो सनातन गौरव है वो दुनिया कोने कोने में आना चाहिए। अभी शुरू बनने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, पहले भी हम लोग थे, तो हम लोग अपनी पुरातन काल की चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे, उसको लेकर साथ में चलेंगे नहीं, हम कौन क्या अपनी मूल जड़ों को टच नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो संस्कृत से बेहतर कोई माध्यम नहीं है जो हम उसको ले कहीं जा सकें। सर, आजकल का जो यूथ है उसको मतलब इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है संस्कृत की और भारतीय संस्कृति की, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा और मतलब इस फिल्म के दौरान क्या मैसेज दिया जाएगा? देखिए, संस्कृत धरोहर है, हर जैसे हम लोग सोचते हैं कि माँ बाप की विरासत में प्रॉपर्टी मिल जाए, सोना चांदी हीरे मोती गाड़ी घोड़े घर बंगला लेना चाहते हैं, तो अभी मूल को भी लेना होगा आपको। मूल है संस्कृत, मूल है सनातनता, मूल है राष्ट्रवाद, वो आपको लेके चलना होगा। अगर हम लोग आर्थिक रूप से पुरानी चीज़ों की कीमत करते हैं तो आपको अपने मूल में जाना होगा, जिसकी वजह से भारत बना, आर्यावर्त बना, जमीन का निर्माण हुआ। तो उस विचार को लेने के लिए, सबको जोड़ने के लिए, अपने मूल जड़ों को तक के बारे में बताने के लिए मैंने फिल्म का निर्माण किया अहम ब्रह्मास्मि। थैंक यू, धन्यवाद। राष्ट्रपुत्र की बुनियाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा है कि आज़ादी के यज्ञ में, आज़ादी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला, इसके हकदार थे। वो बुनियाद रही कि हम लोग फिल्म राष्ट्रपुत्रा के बहाने चर्चा आज़ाद की व्यक्तित्व उनके विचारों को दुनिया तक कोने को पहुँचाएँ, वो आज भी सार्थक है। आज भी हर व्यक्ति को चर्चा आज़ाद जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, विचारों की जरूरत है, जो अपने जान को परवाह न करते हुए देश की डेवलपमेंट की बात करता है, चाहे गुलामी से आज़ादी कराना हो। आज भी कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को चर्चा आज़ाद जैसे विचार रखने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो समस्या का समाधान कर सकते हैं, समस्या खत्म कर सकते हैं। सर, जैसे हम बात करें तो फिल्म ऐसी एक मीडियम है जहाँ पे हम कई सारे टॉपिक पे बात कर सकते हैं, चाहे वो हमारी हिस्टोरिक की क्यों ना हो, हमारी संस्कृति की बात ही क्यों ना हो। आप जिस टॉपिक का अगर हम बात करें तो यही सारे टॉपिक ही क्यों हम देख रहे हैं कि आगे और क्या चीज़ें देखने को मिलेगा? देखिए, फिलहाल तो मैं राष्ट्रवाद लेकर चल रहा हूँ, क्या जैसे मैंने कहा कि सनातन गौरव विषय तो एक ही रहता है। हर आदमी को अपने परिवार, समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना होगा, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो, राष्ट्र प्रथम व्यक्ति द्वितीयम, ये विचार सबको रखना होगा। राष्ट्र से बड़ा तो है नहीं, राष्ट्र है तो हमें, उसी विचार के आसपास में हो, उसी के हिसाब से राष्ट्र का निर्माण किया, अब अहम ब्रह्मास्मि। सर, ऑल्सो फिल्म में एंटरटेनमेंट कितना होगा, क्योंकि जो यूथ देखने आएगा उनको मतलब एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर कोई मैसेज मिलता है तो वो देखना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग थिएटर में जाना पसंद करते हैं, तो इस फिल्म में एंटरटेनमेंट फैक्टर कितना होगा? देखिए, अपने हम माँ से बात करते हैं, उसके उसमें एंटरटेनमेंट है नहीं ना, तो संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, जिस तरह माँ हमारी ध्यान रखती है, संस्कृत ने हमको निर्माण किया, डेवलप किया, वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, सब संस्कृत में लिखे गए हैं, तो उसमें एंटरटेनमेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे फिर वो चीज़ के फिर भी मैंने वो चीज़ रखी, अभी आप देखोगे एंटरटेनमेंट ध्यान रखा है, लेकिन मैं उससे जरूर चाहता हूँ कि एक प्रेम का भाव जो कि परिवार के प्रति होता है वो लोग संस्कृत के प्रति रखें, अपने देश के जान देने वालों के प्रति रखें, उन्हें अपने परिवार का, समाज का अपना हिस्सा माने, ये मेरा विचार है। सर, जिस तरह का प्यार जो है राष्ट्रपुत्र को मिला है उससे मतलब जो दूसरी फिल्म आप बना रहे हैं उसको लेकर कितना प्रेशर था आपके ऊपर कि उससे अच्छा करना है या फिर लोगों तक पहुँचनी चाहिए उसको लेकर? अगर देखिए, संस्कृत पे काम
काम करना अपने आप के अनोखा काम है, यानी उसके बारे में सोचना भी, क्योंकि मैं अगर जैसा चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, साथ के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो मुझे अच्छी टीम मिली, गवर्नमेंट के साथ मिला, सारे लोग अच्छे मिले, मेरी चीज़ों कर मेरी बातों को समझ के वो लोग साथ में इन्वॉल्व हुए और मुझे करना चाहता था, आप बन के मेरे बोलने पर मेरे रस्ते भी चले। इसका नतीजा है कि हम ब्रह्मास्त्र जैसे एक महान, मैं तो कहता हूँ कालजी फिल्म है, आप देखेंगे आने वाले कल से उसको बताएगा, एक फिल्म बना दी है जो पूरे देश को दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है। तो सर ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, मतलब लोगों को इस फिल्म से अटैच करना कितना? देखेंगे माँ की तरह, माँ किसी भी हालत में लोग प्रेम करते हैं और संस्कृत भाषा, संस्कृत सारी मैंने पहले कहा सारी भाषाओं की जननी है, देवनागरी लिपि है, हिंदी मराठी उसी ने जन्म लिया, आज संस्कृत दम तोड़ रही है, बाकी भाषाएं कहाँ से कहाँ पहुँची। तो व्यक्तिगत तौर पर सब सबको जोड़ने वाली मूल भाषा संस्कृत है, हजारों साल से आदिकाल की भाषा है, देव भाषा है, देवों की भाषा है, और उसको लेके चलते हैं तो कितनी चीज़ें उसमें मिलती है। कई शास्त्र संस्कृत में है, संस्कृत में जो मूल संस्कृत है उसे रूपांतरण करते हैं तो कई चीज भाव बदल जाते हैं। जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं कोई शब्द को तो फ्रेंच जर्मन का, हो सकता है कि जो मूल जिसने लिखा उसके बदले कोई और भाषा सुने, हम लोग हिंदी में या मराठी में या किसी और भाषा के अंदर। तो संस्कृत अगर मूल हम समझेंगे तो संस्कृत से बहुत कुछ हम जान सकते हैं। आज ज्योतिष के लोग बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो अगर हम पुराने काल में जाएंगे तो कई चीज़ों की समस्याओं का समाधान है संस्कृत के अंदर। सर फिल्म में म्यूजिक किस तरह का होगा? अच्छा बढ़िया, बस लॉन्च करने वाले थे, अच्छा काम किया हमने। लेकिन बहुत सारे मतलब अभी जो है गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं और सारे डांसिंग नंबर्स आ रहे हैं, तो इसमें कितना अलग म्यूजिक होगा? क्योंकि जो गाने होते हैं वही फिल्म को रिप्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने, तो अगर आप कुछ थोड़ा सा। मूल भावना जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मूल भावना हमने सनातनता का रखा है, राष्ट्रवाद का रखा है, शब्दों का रखा है, अगर आप देखोगे तुमको अच्छा लगेगा। मतलब सारे सिचुएशनल सॉन्ग, हाँ मतलब जैसे जैसे पढ़ना चाहता हूँ कि एक सरल भाषा में संस्कृत, जैसे रामदेव बाबा के पहले संस्कृत जब भी लोग युवा की बात करते थे टांग उठा के यहाँ डाल लिया, ये उठा के वहाँ रख लिया, यानी इतना हार्ड दिखाते थे जो करना चाह के नहीं करते, तो उन्होंने कितना सरल कर दिया होगा ये बात को, घर घर पहुँचा दिया। मैं चाहता हूँ संस्कृत भी घर घर पहुँचे, लोग कोशिश करें, मुश्किल जरा भी नहीं, अब मैं साबित करूँगा आने वाले कुछ में फंक्शन होगा, तो बहुत आसान भाषा है। फिल्म को इस फिल्म को कब रिलीज किया जाएगा, ऑडियंस कब देख पाएगी? ये जुलाई के पहले हफ्ते में। मैं एक कथा यात्रा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये कथा यात्रा है 1934 से लेके अभी 2019 तक। इसमें हुआ क्या है, आज इस पुण्य पावन समारोह में हम अपने बॉम्बे टॉकीज के महनीय पूर्वजों की त्रिवेणी राज नारायण दुबे, हिमांशु राय और देविका रानी की अदेही उपस्थिति को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1934 में राज नारायण दुबे ने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। बॉम्बे टॉकीज भारतीय सिनेमा के आधार स्तंभ के रूप में, सिनेमा के इतिहास में ध्रुव तारा की तरह चमकता रहा, लेकिन अपनी प्रगति के साथ, उन्नति के साथ, अपने ही लोगों के लोभ ने, स्वार्थ ने, महत्वाकांक्षा ने बॉम्बे टॉकीज के उत्तरोत्तर वृद्धि में ग्रहण लगा दिए और असमय बॉम्बे टॉकीज का सूर्यास्त हो गया। दीप जलाया रची दिवाली, फिर भी न मिटी अमावस काली, व्यर्थ हुआ आवान स्वर्ण सवेरा रूठ गया, सपना टूट गया। लेकिन समय हर रिक्त स्थान को पूरा कर देता है। 60 दशकों के बाद समय ने एक बार एक और कलाकार को बॉम्बे टॉकीज के उद्धार के निमित्त सामने लाया, जिन्हें हम आजाद के नाम से जानते हैं। आजाद सैन्य विद्यालय से शिक्षित और दीक्षित होने के बाद पूरे भारत की परिक्रमा की और भारत को समझा, जाना, गुना बुना, और भारत के अध्यात्म को समझने के साथ ही ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि भारत में जब ये बॉम्बे टॉकीज का दिव्य पुनरागमन होगा तो क्या लेकर फिर से सामने आ जाएगा। तो एक विस्मृत नायक को इतिहास के अंधेरे से निकाल कर लाया, जिन्हें हम चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। और चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व, कृतित्व को, जीवन और दर्शन को, विचारों को विश्व पटल पर लाने के लिए उन्होंने एक महान यज्ञ जैसा काम किया और राष्ट्रपुत्र का निर्माण हुआ। राष्ट्रपुत्र आज कांस में भव्य प्रदर्शन होकर
पूरे विश्व में गरिमा के साथ, भव्यता और दिव्यता के साथ चंद्रशेखर आजाद के विचारों का वैश्विक प्रदर्शन हो चुका है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व के साथ भारत के उस मूलभूत, उस मूल अध्यात्म की जड़ों को आज की युवा पीढ़ी, आज के सिनेमा दर्शकों को सम्मुखीन करने के लिए उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का निर्माण किया। अहम ब्रह्मास्मि जड़ों की ओर लौटने की प्रक्रिया है। ये तू स्वर्ग तरंगिनी विसलता लेशेन संवर्धिता गांगम निरमपि त्यजन्ति कलुषम ते राजहंसा वयम्। ओ शुभ्र कमलों मसृण मृणालों पर पनपे पले पोसे राजहंसो, एक दिन तुमने अपनी सुरुचि की दुहाई देकर हमारी धरती पर बहती मटमैली गंदी गंगा को उपेक्षा, घृणा और हितारत की नजरों से देखकर उसकी ओर से पीठ फेर ली थी और सहसा अपने डैनों को फड़फड़ा मानो उसे फटकार कर ही उससे दूर होते, छोटे होते अनंत अंतरिक्ष में खो गए थे। ये आह्वान है आजाद का अहम ब्रह्मास्मि के रूप में कि लौटो जड़ों की ओर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु, आज का दिन भारत के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए और भारत के सनातन गौरव के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबसे पहले मैं क्रांतिकारी विचारधारा बनी चंद्र आजाद को समर्पित राजपुत्र के भारत से लेकर फ्रांस तक के सफर के बारे में मैं बताऊंगा और धन्यवाद दूंगा उनको जिन्होंने सफर में सहयोग दिया। उन सहयोगियों को और सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज टीम के सिवाय भारतीय सिनेमा के स्तंभ पुरुष ऑफ इंडियन सिनेमा राज नारायण दुबे के पुत्र और प्रेरणा स्रोत श्री घनश्याम दुबे जी, जिनके सहयोग और प्रेम और मार्गदर्शन की वजह से राजपुत्र को वो सफलता मिली और चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया के कोने कोने पहुंचाने का मौका मिला। चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया के सामने लाने का सबसे पहला कारण यह था कि आज़ादी के क्रांति यज्ञ में हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसके हकदार थे। राष्ट्रपुत्र उन्हीं क्रांतिकारियों को समर्पित है। मेरी फिल्म अहम ब्रह्मास्मि, उसके बुनियाद में 2016 का जेएनयू का उनारा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की भरवारी जंग जारी रहेगी। मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत जेएनयू में हुई, मैंने उसी मैदान से वहां पर जवाब दिया। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। ये जो नारा जो हमने दिया है, जो जवाब दिया, इसका नतीजा है कि राष्ट्रवाद के रूप में देश का बच्चा बच्चा आज की तारीख राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। एक ही सिद्धांत है, राष्ट्र प्रथमम व्यक्ति द्वितीयम, ये मूल सिद्धांत है। इसका पालन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो किसी राष्ट्र का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। देवभाषा संस्कृति पिछले हजारों साल की गुलामी के दरमियान पीड़ित और संतप्त रही है और मृत प्राय रूप में आज की तारीख में हिंदुस्तान में होने के बाद हिंदुस्तान में नहीं है। लोग शोध कर रहे हैं, कोई विश्वविद्यालय में शोध कर रहा है, कोई कहीं और शोध कर रहा है, लेकिन शोध का नतीजा आम जनमानस में नहीं है। मैं चाहता था कि संस्कृत का पुनरुत्थान हो और हर व्यक्ति इसको समझे जाने। मेरे नज़र में संस्कृत से आसान कोई भाषा नहीं। लोग शोध कर रहे हैं संस्कृत के ऊपर और मेरा मानना है कि देवनागरी लिपि, मराठी, हिंदी सब वही है। जननी, सैकड़ों भाषाओं की जननी जिस राज मृतप्राय है बहुत साधारण चीज़। आज लोग जो शोध कर रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, अब ये क ख ग घ अंग च छ छ ज ञ, इसमें शोध क्या कर रहे हैं? इसे सरल भाषा में कहना चाहूँ तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर भी कहता है। सुषमा स्वराज ने कुछ पिछले साल कहा था कि कंप्यूटर सबसे आसान
समझता है संस्कृत के, संस्कृत के अगर हमें अगर कंप्यूटर में डालना चाहे, बोलना चाहे, तो उसका सही जवाब देता है। बाकी भाषा में ऐसा नहीं है। हम कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं, उसका ट्रांसलेशन किसी और भाषा में कहीं और हो सकता है, यानी दाएं बाएं हो सकता है, इस संस्कृत में ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण दूंगा, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, विप्र यानी ज्ञानी लोग व्याख्या अलग प्रकार से करते हैं किसी भी सत्य का। अब इसको कहीं से भी लेके चलोगे वहीं जाएगा। एकम सत्य, सत्य देवनागरी लिपि इतनी आसान भाषा है। बाकी भाषाएं मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन है। आज मराठी, हिंदी और संस्कृत को एक लगते हैं तो तीनों एक जैसी है। बाकी भाषाएं कठिन लोग कहते हैं, तो मूल भाषाएं अपनी जड़ों की तरफ लौटना, यानी अपनी जड़ों की बातें करना हो तो संस्कृत जानना चाहिए, बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हम बाहर की भाषाएं लेके चल रहे हैं, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, नया वर्ग का, तो इसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए, इसे मेरी मान्यता है, ऐसा मैं चाहता हूँ। होती है सब स्वाभाविक, जैसे मैं जितनी आसानी से कह लेता हूँ कि मैं तो करना चाह रहा था, बाकी लोगों तैयार किया करवाया जिस तरीके से बोल पाए, कि मैं देखा कि साउथ में लोग जाते हैं हिंदी बोलने, उनको साउथ के नहीं आते, वहाँ काम करते हैं, तो ये तो बहुत आसान अच्छी हिंदी से मिलती जुलती है, मराठी से मिलती हुई भाषा है, ये तो करना ज़्यादा आसान था, लोगों ने किया, कुछ लोगों को दिक्कत हुई तो उसको संभाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, कितने गाने हैं इस फिल्म में? चार गाने हैं। संस्कृत भाषा के बुनियाद पे पूरे वर्ल्ड को जोड़ सकते हैं हम लोग, और सनातनी है, लघुक्रमक कहते हैं, हजारों लाखों साल से हम लोग हैं, तो हम मूल लोग हैं। मूल हिला तो उसके बदले कई की भाषाओं का जन्म हुआ, जाति में, धर्म में, पूरा विश्व बटा, और आज अब तो के पहले सी बातें नहीं, लोकतंत्र हो चुका है, तो उनको सबको जोड़ने का यही इनाम है। कहा ना कि आज की तारीख पूरे विश्व को जोड़ने वाली भाषा है संस्कृत। अगर इसका इस्तेमाल हम लोग खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाषा हमारी, संस्कृत हमारी, पहचान हमारी, मूल जड़ हमारा, जब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति द्वितीयम। कंट्री के लिए जियो, कंट्री के लिए मरो। हम रहे ना रहे, कोई 100 साल के लिए आता, कोई 50 साल के लिए आता, कोई 25 साल के लिए आता है, ये राष्ट्र रहेगा। आपकी कृति आपके जाने के बाद लोग याद करें, आपकी रचना आपके बारे में जाने के बाद याद करें, वो राष्ट्र याद करता है। मान लो आज मैं नहीं रहूंगा, कल चले जाऊंगा, तो जाने के बाद मेरी चाहे कविता हो, मेरा चाहे लेखन हो, चाहे मेरी रचना हो, चाहे ब्रह्मास्मि, राष्ट्रपुत्र आने वाली कई फिल्में हैं, इसके माध्यम से लोग मुझसे जुड़ेंगे क्योंकि मैं नहीं रहूंगा। तो ऐसे हर व्यक्ति साथ लागू होता है, काम वो करो कि आपके जाने के बाद भी आपका जीवन हो। तुमसे मेरे कहा ना, अस्तो मा सदगम है, तम सो मा ज्योतिर्गम है, मृत्यु और मा अमृतम गमय, तो मृत्यु से अमृत की ओर वो ले आता है आपकी कृति, आपकी रचना, आपका सृजन। वो हर व्यक्ति के साथ मौका आता है कि अपने काम को ईमानदारी से करे, पवित्र तरीके से करे, वो धन भी देगा, सम्मान भी देगा, आपके जाने के बाद आपको याद भी रखवाएगा लोगों से।